तो भाई लोग ये वीडियो भी टिकटॉक पर बहुत ही ज़्यादा आग लगा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में, और बहुत सारे बंदे इस वीडियो को बनाकर टिकटॉक पर अपलोड भी कर रहे हैं। तो मैंने भी इस वीडियो का ट्यूटोरियल बना दिया, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताऊँगा कि आखिर ये वीडियो कैसे बनता है। तो सिंपली गाइस, सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में, अपने मोबाइल में ओपन कर लेना अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन, और काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको ये वाला फ्रेम चूज़ कर लेना, 9.16 वाला। अब ये फ्रेम हमने चूज़ कर लिया, अब यहाँ पे हमको मीडिया का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, हम इस पर क्लिक करेंगे मीडिया वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो पहले से एडिट करा हुआ है, तो आपको भी वैसा एडिट कर लेना है। तो मैं पहले ही अपने चैनल पे इस वीडियो को एडिट करने का तरीका बता चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट करने लगे बार बार आप एक ही ट्रिक बताते हो। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है कि स्काई में फ़ोटो कैसे लगाते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आपको मेरा डिस्क्रिप्शन ओपन करना है और वहां से उस वीडियो को देख लेना है। तो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा वो वीडियो जिसमें आपको ये फ़ोटो लगाना है। तो यहाँ पर मीडिया पर चल के मैं वो वीडियो पहले ऐड कर लेता हूँ, आपको वो वीडियो मैं दिखा देता हूँ। तो यही वो वीडियो जो कि आप देख सकते हैं, इसमें स्काई है, तो स्काई में मैंने अपना फ़ोटो एडिट करा हुआ है। तो आप अपना फ़ोटो, अगर आपको ये एडिट करना नहीं आता है, तो इसका ट्रिक मैं पहले से अपने चैनल पर डाल चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। पहले आपको क्या करना है, पहले आप उस वीडियो को देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो को देख लेना। तो पहले आपको वो वीडियो देख लेना है और स्काई में अपना एक फ़ोटो लगा के वीडियो सेव कर लेना है, उसके बाद आपको ये वाला वीडियो आके फिर से देखना है। तो यहाँ पे गाइज, अब हम चलते हैं अपने मतलब मेन प्रोसेस की तरफ, वाटर मिररिंग वाला जो वीडियो वो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ जो मैंने अभी ऐड करा था, और हम स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद लेयर पे क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो मीडिया वाले ऑप्शन पर से यहाँ पे एक वाटर का जो वीडियो है, मतलब वाटर का बैकग्राउंड वीडियो है जिसमें पानी पानी और कुछ भी नहीं है, तो ये वाला वीडियो मैं सिंपली ऐड करने वाला हूँ। अब ये वाला वीडियो ऐड हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस पानी मतलब वाटर को हम जूम करेंगे, और जूम करने के बाद जितना हमारा रोड है उतना हम सेट करेंगे। तो वीडियो को आपको ना क्या करना है, हल्का सा क्रॉस करके सेट करना है, क्योंकि अगर आप क्रॉस करके सेट करोगे तो ये वीडियो और भी ज़्यादा बेहतर बनेगा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है हल्का सा क्रॉस ही है, इसीलिए क्रॉस करने पे ज़्यादा बेटर लगेगा। तो आपको हल्का सा क्रॉस कर लेना है, अभी मैं इसे कर देता हूँ, पहले हम अपना और थोड़ा सा प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद हम इसको बाद में क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पे मतलब जब आपका वीडियो एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, हल्का सा क्रॉस करके ही सेट करना। यहाँ पे मेरा सही से हो गया लगता है, चलिए अभी मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, इतना मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपको मिलेगा क्रॉपिंग का ऑप्शन, क्रॉपिंग का ऑप्शन पे जाने के बाद मास्क वाला जो ऑप्शन है इसको हम इनेबल करेंगे, और यहाँ पे जो फेदर वाला ऑप्शन है इसको हम इंक्रेज कर देंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद क्या होगा, मतलब ऐसा लगेगा रियल में रोड पे मतलब पानी है, जो यहाँ पे लाइन एक सीधी होती है ना वो गायब हो जाएगा, और ऐसा लगेगा रियल में रोड पे पानी है, और हमारे वीडियो में रियलिटी चाहिए, तभी तो वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे वीडियो में रियलिटी तो आ गई है, अब यहाँ पे आगे का प्रोसेस क्या करना है, हम इसको हल्का सा और क्रॉस कर देते हैं, हल्का सा क्रॉस कर देते हैं, ताकि मतलब थोड़ा सा और भी अच्छा लगे, और ये जो परछाई टाइप में आ रहा है रोड पर ये नहीं आए, और हमारा वीडियो एकदम अच्छे से प्रोफेशनली टाइप में बने, क्योंकि अगर हमारा वीडियो प्रोफेशनली टाइप में बनेगा तो और भी अच्छा लगेगा, और वीडियो वायरल भी होने का चांस थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी हमारा वीडियो बिल्कुल सेट हो चुका है, ऐसा लग रहा है मतलब रोड पे रियली में पानी है। अब हमारा जो आगे का काम है, हम क्या करेंगे, जो हमारा वाटर का ये बैकग्राउंड वीडियो है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, पहले हम इसको कट कर लेते हैं, जितना हमारा वीडियो उसी के साइज में हम इसको कैंची वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसको कर देंगे ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेड, इतना कट हो गया। अब हम आगे का प्रोसेस ये है कि ये जो हमारा वाला वीडियो है, मतलब जो हमने मीडिया से ऐड करा था हमारा वाला वीडियो, स्काई में फ़ोटो लगाएगा, उस पर क्लिक करना है, थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर जाके इसको डुप्लीकेट लेयर कर देना है। जैसे आप डुप्लीकेट लेयर करोगे, डुप्लीकेट लेयर इसका बन के एक तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो ये दो लेयर हो गया, एक डुप्लीकेट हो गया। अब इसी लेयर पर क्लिक करके डुप्लीकेट वाले पर हम जाएंगे रोटेट मिररिंग पे, और इसको कर देंगे रोटेट, मतलब ऊपर के साइड जो है वो नीचे कर देंगे, जो हमारा मतलब ऊपर का साइड सर है वो नीचे कर देंगे और नीचे वाला ऊपर कर देंगे। अब हम इस वीडियो को हल्का सा जूम कर लेंगे अपने स्क्रीन के साइज पे,
और इसको जूम करने के बाद हम इसको क्रॉप करेंगे उतना जितना मतलब हमने वाटर लगाया हुआ है उसको हम क्रॉप करेंगे। तो यहाँ ऑप्शंस में आपको एक क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो हमको ये ऊपर से क्रॉप करना है तो आप नीचे से नहीं क्रॉप करना। तो यहाँ पे क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपको चार आइकन दिख रहा है तो एक आइकन पकड़ के आपको इसे सिंपली क्रॉप कर लेना है। यहाँ पे इतना जितना हमारा पानी है उतना ही क्रॉप करेंगे, ज़्यादा नहीं आपको क्रॉप करना है, तो पानी के बराबर आप क्रॉप कर देना है। आपको अपने हिसाब से मतलब जैसा वीडियो आपका बना है उस हिसाब से आपको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद हमारा वीडियो इतना कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। अभी हमको इसमें मिरर वाला जो वाटर मिरर है वो इफेक्ट लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी वाले लेयर पे क्लिक करेंगे जो अभी हमने क्रॉप करा था, ये वाला नीचे वाला जो लेयर हमने क्रॉप करा था उस लेयर पे आपको क्लिक करना है। और उस लेयर पे क्लिक करने के बाद ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ब्लेंडिंग ऑप्शन, तो आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, तो आपको कोई भी ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेना है। आप कोई भी ब्लेंडिंग ऑप्शन चूज कर सकते हो और चूज करने के बाद वही ब्लेंडिंग ऑप्शन लगाना जो आपको बेटर लगे। तो यहाँ पे मैं ये लगा रहा हूँ हार्ड लाइट, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे पानी भी लग रहा है और ये पानी में परछाई भी लग रहा है और बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से हमारा वीडियो बन गया, लेकिन अभी ये चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको मैं पहले बाद में बताऊंगा ये कैसे चलेगा, उसके पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपके मोबाइल में मतलब काइन मास्टर में ब्लेंडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप ब्लेंडिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, सीधा मेरा काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना। मेरे काइन मास्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप अपना काइन मास्टर अनइंस्टॉल कर देना, उसके बाद मेरा वाला काइन मास्टर इंस्टॉल कर लेना, तो आपके वीडियो में वाटर मार्क भी नहीं आएगा और आपके ब्लेंडिंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और आपका वीडियो एकदम प्रोफेशनली टाइप में बनेगा हमारे काइन मास्टर से। तो आपको मेरा वाला काइन मास्टर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना जो कि प्रो वर्जन का है। अब हम इस वीडियो को सेव कर लेते हैं और ये वीडियो प्ले होने लगा। सेव होने के बाद जो वीडियो प्ले नहीं होता है वो सेव करने के बाद प्ले होने लगता है, क्योंकि काइन मास्टर में ज़्यादा लेयर ऐड करने से वो सपोर्ट नहीं कर पाता है, लेकिन सेव करने के बाद वो प्रॉपरली चलेगा। और अगर चल गया तो यार वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तो यार लाइक कर देना, लाइक वाले बटन को ब्लू कर देना, सब्सक्राइब वाले बटन को ब्लैक कर देना और यार सब्सक्राइब कर देना अगर आप लाइक करते हो तो अच्छा लगता है। अब हमारा वीडियो सेव हो चुका है और अब मैं अभी आपको इसी वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा जो कि काइन मास्टर में सपोर्ट नहीं हो रहा, और अगर वीडियो प्ले हो गया तो यार वीडियो को लाइक तो कर ही देना। तो यहाँ पे मैं दूसरा फ्रेम ऐड करके उस वीडियो को आपको प्ले करके दिखाऊंगा मीडिया वाले ऑप्शन से स्पोर्ट में। अभी मैंने उसी वीडियो को स्पोर्ट करा था, तो ये वाला वीडियो हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करके इसको हम प्ले करते हैं। तो सिंपली गाइज ये वीडियो प्ले होगा और आपको प्ले होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जब भी आपको काइन मास्टर में ये प्रॉब्लम आया, आप कोई भी वीडियो एडिट कर रहे हो तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा, तो सिंपली आपको वहीं पर उसी पोजिशन पर उस वीडियो को सेव कर लेना है। अगर आपकी कुछ एडिटिंग रह गई है तो वो वीडियो सेव करने के बाद उस पर कर लेना, वो वीडियो अच्छे से मतलब आप एडिट कर पाओगे। ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के पास आता है। तो यार गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो कर लेना यार, बोलोगे ये कितनी बार लाइक करने के लिए बोल रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई।